Hello everyone, welcome to our discussion of UCED exam and in this part we will discuss from questions 8 to 14. अगर आपने अभी हमारा पहला पार्ट नहीं देखा है तो यू कैन वॉच दैट फॉर द फर्स्ट 7 क्वेश्चंस और आज हम बात करेंगे रिमेनिंग 7 क्वेश्चंस की. तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं. ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन. दे आर सेइंग अ व्हीकल विद अ व्हील अरेंजमेंट इज शोन इन फिगर 1, दैट इज दिस, ये वाला अरेंजमेंट है इस व्हीकल का. दिस व्हीकल इज ट्रेवलिंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ एज शोन इन फिगर 2. तो ये वाला इसका पाथ है. देन व्हील्स डू नॉट चेंज देयर ओरिएंटेशन, ऑब्वियसली वो सर्कल बनाने के लिए, वाइल मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ. देन इन फिगर 3 दैट शोज द लोकेशन ऑफ द सेंटर्स ऑफ द व्हील्स, दैट मीन्स ये जो सेंटर्स इन्होंने दिखा रखे हैं इनकी लोकेशन इन्होंने दी हुई है हमें. द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ व्हील 3 एंड व्हील 2 इज 170. सो व्हील, दैट मीन्स ये वाली लाइन हमारी 170 है टोटल. एंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ व्हील 1 एंड व्हील 2 इज 180. ये हमारी 180 है. ये द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ फॉलोड बाय व्हील 2 इज 525 सेंटीमीटर. दैट मीन्स कि ये जो यहाँ से जाएगा, ये जो ऐसे बन रहा होगा ये वाला पाथ, इसकी हमें उन्होंने रेडियस दे दी है 525. वॉट इज द रेडियस ऑफ द पाथ फॉलोड बाय व्हील 1. अब वो व्हील 1 की बात कर रहे हैं. तो देखो व्हील 1 ये यहाँ से अगर हम देखें तो ये ऐसे जा रहा होगा जो मैंने बनाया, राइट. और अगर व्हील, इसको मैं यहाँ पर भी कंटिन्यू कर देता हूँ, और व्हील 3 हमारा थोड़ा सा ऐसे जा रहा होगा, क्लोज है. तो मैं एक बार इसको डॉटेड लाइंस की बजाय सीधी लाइंस बना देता हूँ. तो ये वाला हमारा सर्कल ऐसे रहेगा, ये सर्कल हमारा ऐसे हो गया, और ये वाला सर्कल हमारा ऐसे रहेगा, राइट. तो अब इसको इस डायमेंशन के हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. पहले तो इम्पॉर्टेंट बात समझना ये है, यहाँ पर मैं एक बार इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ. ये हमारे पॉइंट्स हैं व्हील 1 और व्हील 4 के बीच में. ये हमारे पॉइंट्स हैं व्हील 1 और व्हील 4 के बीच में. ये हमें स्ट्रेट लाइन खींच देता हूँ. और ये हमारा व्हील 3 और व्हील 2 है. तो क्योंकि ये यहाँ पर हमें ये पूरा डिस्टेंस, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3, 2, 1 एंड 4. ये हमारा पूरा डिस्टेंस दिया हुआ है 180, 2 और 3 वाला, सॉरी 170, 2 और 3 वाला. तो ये 85 ऊपर हो जाएगा और 85 नीचे हो जाएगा, हाफ में काटेगा उसको, ये हम क्लियरली देख सकते हैं. लेकिन जो हमारा सर्कल बनेगा, देखो इस व्हील का सर्कल तो हमारा ऐसे बनेगा और इस वाले व्हील का सर्कल हमारा ऐसे बनेगा. तो बहुत सारे लोगों ने इसको हाफ ले लिया था, ये हाफ नहीं है, देखो आप देख सकते हो आराम से ऐसे, राइट. तो अब वैसे तो ये क्वेश्चन अब इजीली हो सकता है, क्योंकि देखो ये रेडियस हमें गिवन है, ये रेडियस ही तो होगी इस सर्कल की. तो इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पर मैं इनके सेंटर्स मार्क कर देता हूँ टू शो कि हम कैसे क्वेश्चन करने वाले हैं. ये इनके एग्जैक्ट सेंटर्स हो गए. अब ये व्हील 3 और व्हील 2 का हमें डिस्टेंस दिया हुआ है 170, तो ये ऑब्वियसली इनको सेंटर से डिवाइड करेगा. यहाँ पर हम देख सकते हैं क्लियरली वो एग्जैक्ट सेंटर्स हैं. तो ये 85 हमारा ऊपर रहेगा, 85 हमारा नीचे रहेगा, राइट. अब ये जो सर्कल बन रहा है हमारा, ये ऐसा सर्कल होगा, इसका सेंटर मैं यहाँ ले लेता हूँ सपोज. ये सेकेंड वाला सर्कल जो है हमारा वो ऐसे होगा देखो, और थर्ड वाला सर्कल हमारा ऐसे होगा, राइट. अब यहाँ से ये मैं ओ लिख देता हूँ इसको सेंटर. अगर मैं इस लाइन को ऐसे बढ़ा लूँ तो ये इसका रेडियस होगा इस पॉइंट से. इसको मैं अगर ए लिख लूँ और इसको इस वाले पॉइंट को बी लिख लूँ, तो ये ओ ए जो है हमारा 525 है, ये इसका रेडियस ही हुआ देखो सर्कल का, उन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन में. अब अगर मैं, मुझे एक्चुअली निकालना है अब एक तरीके से ओ बी, इस वाले सर्कल का रेडियस निकालना है हमें, राइट. तो अब हम इजीली यहाँ पर वैसे देखा जाए तो पाइथागोरस लगा सकते हैं. अब देखो पाइथागोरस लगाने का क्या तरीका, ये वाला डिस्टेंस तो हमें गिवन है ना, ये ए से बी का क्वेश्चन में ही, ये क्या है हमारा गिवन 180. तो अगर मैं ये वाला ट्रायंगल देखूँ, ये ए बी, और अगर मैं इसको इस वाले पॉइंट को लिख लूँ एम फॉर एग्जाम्पल, ए एम, बी एम और ए बी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया यहाँ पर, राइट. तो मैं इसमें ईजिली यहाँ पर लिख सकता हूँ कि बी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर, इज दिस ओके. उसके बाद ए बी स्क्वायर हमें गिवन है 180 का स्क्वायर, माइनस ए एम हमारे पास है 85 का स्क्वायर. हम अभी इसको इतना ही छोड़ देते हैं एंड लेट्स नाउ मूव टू द ट्रायंगल ओ एम बी. देखो ये हमारा पॉइंट है ओ, ये हमारा पॉइंट है एम, और ये बी, इस वाले ट्रायंगल, क्योंकि हमें ये निकालना है, ये पूरे सेगमेंट निकालना, यही तो रेडियस है उस वाले सर्कल की. अब देखो यहाँ पर भी हम पाइथागोरस अगर लगा लें तो वी विल हैव ओ बी, जो कि मैं रेडियस लिख देता हूँ, रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर. अब ओ एम अगर आप देखोगे तो
ओ ए, ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये तो 525 है और 85 ये है, तो ये हो गया 610 का स्क्वायर। और बी एम का स्क्वायर अभी हमने निकाला ही था, ये वाली वैल्यू मैं पूरी रख देता हूँ यहाँ पर, दैट इज़ 180 का स्क्वायर माइनस 85 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ तक तो क्वेश्चन ठीक है कि एक अंडरस्टैंडिंग आपको दिखा दी उन्होंने, इसमें और कुछ हमें एक्स्ट्रा करना नहीं पड़ा, सिर्फ एक पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने जो वैल्यूज़ दी हैं इस क्वेश्चन में, मतलब टू बी ऑनेस्ट ये नॉनसेंसिकल है ऐसे क्वेश्चन में, यूसीड के एग्जाम में आप ऐसी वैल्यूज़ दे रहे हो जिनका स्क्वायर निकालना इतना मुश्किल होता है। तो उन्होंने आई डोंट नो, मतलब मैं तो इसको एक क्या बोलूँ कि नॉट करेक्ट, यही बोलूँगा मैं कि इट इज़ नॉट द करेक्ट थिंग टू गिव हेयर, ऐसी डिजिट देना, बट स्टिल अब जब क्वेश्चन आ गया है तो आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो आप एग्जैक्ट सॉल्व करने जाओगे तो एंड में आपको अंडर रूट भी लेना है, वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये एग्ज़ाम टाइम पे करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एग्ज़ाम में जब हम बैठे होते हैं तो वी ट्राई टू रीच एज क्लोज एज वी कैन, पर अगर हम इसको थोड़ा बहुत ट्राई करके देखें तो 610 का स्क्वायर है, उसमें 180 का स्क्वायर ऐड हो रहा है राइट, और 85 का स्क्वायर माइनस हो रहा है, यानी कि वो 610 से ऊपर की ही वैल्यू आने वाली है। और ऑलमोस्ट हम देखें 180 का स्क्वायर ऐड हो रहा है, 85 का स्क्वायर लेस हो रहा है, तो वो वैल्यू 100 के आसपास, मतलब 100 स्क्वायर के आसपास लगभग, बल्कि उससे भी ज़्यादा बड़ी ही होगी। तो इसका देखो वैसे कोई डायरेक्ट तरीका तो है नहीं, लेकिन अगर हम 6 का स्क्वायर हमारा होता है 36, तो ये उस वाली तरफ जाएगा। फिर उसके बाद अगर मैं 18 का स्क्वायर देखूँ तो होता है 324, तो मैं 3.2 लिख ले रहा हूँ यहाँ पर, और 8 का होता है 64, तो 0.6। तो मैं अगर इसके हिसाब से भी थोड़ा देखूँ तो इट विल रीच नियर अबाउट 40 उस वे में, और अगर मैं और प्रिसाइज करना चाहूँ तो 39 समथिंग रहेगा ये। और फिर फाइनली हमें स्क्वायर, अगर मैं आर स्क्वायर को ऐसे 39 मतलब 390,000 वाले रेंज में रहेगा वो, क्योंकि वो थ्री डिजिट है। तो अगर हम इसका स्क्वायर देखते हैं तो इट वुड बी समथिंग अराउंड 6.3, तो उस हिसाब से 630 के आसपास आंसर आना चाहिए इसका। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि कोई लॉजिक नहीं है ऐसे डिजिट देने का, बट स्टिल इसका आंसर एग्जैक्ट अगर हम निकालने बैठेंगे तो इट विल कम टू 633 के आसपास, 631 टू 633, बट 630 के आसपास का हम आइडिया ले सकते हैं। जैसे मैंने कैलकुलेशन बताया कि आप 360,000 की जगह 36 के वे में उसको देखो। और देखो अब इनकी बेवकूफ़ी ही है ये, मैं तो यही बोलूँगा, क्योंकि पहले इन्होंने ऐसे डिजिट दे दिए, शायद इन्हें बाद में रियलाइज़ होगा, और रेंज इन्होंने दी है 615 से 645 की, इसीलिए इतनी बड़ी रेंज इन्होंने दी है, क्योंकि इन्होंने बाद में रियलाइज़ करा होगा कि ऐसी डिजिट्स का कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे लोग। तो जे वो चाहते थे कि आप बस थोड़ा सा आइडिया लेके उसको करो, तो 610 तो पहले ही था हमारे पास, और उसमें 180 स्क्वायर ऐड हुआ और 85 स्क्वायर माइनस हुआ, तो ऑब्वियसली वो 620-630 की तरफ तो जाएगा ही जाएगा। बट अगेन मतलब क्वेश्चन अच्छा था वो वाली चीज़ के लिए कि आप सर्कल समझो, वाली बात समझ पाओ, बट डिजिट्स बहुत ही बेकार हैं। तो आई एम नॉट श्योर कि काफ़ी कितने लोगों ने इसका आंसर किया होगा, पर अगर किसी ने थोड़ा सा भी आइडिया लेके, जैसा कि मैं बोलता हूँ एनईटी में आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो आप लिख दो, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव मार्क्स तो कुछ है नहीं। तो आई एम होपिंग कि आप लोगों ने शायद एक आइडिया लेके कुछ भी लिखा होगा, और इतनी बड़ी रेंज दी है कि आप थोड़ा सा आइडिया ले पाए होंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। बट क्वेश्चन की जो डिजिट्स हैं दैट इज़ नॉट गुड, आई थिंक वो जेन्युइनली अच्छा नहीं है बच्चों के लिए, मतलब जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है उनके लिए नॉट फेयर मैं बोलूँगा ऐसी डिजिट्स देना, बट स्टिल क्या कर सकते हैं, अब क्वेश्चन आया है तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस वे में आप इसको थोड़ा सा कर सकते थे, बट टफ क्वेश्चन, वेरी टफ क्वेश्चन अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा है कि सिमिलर क्वेश्चन आ चुका है पहले ऑलमोस्ट, ये हेक्सागन वाली चीज़ पे इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, और इसका एक सिंपल सा मेथड होता है कि हम यहाँ पे सेंटर देख के इसको पीछे भी ऐसे बना दें तो ये सिमिलर इक्विलेटरल ट्रायंगल ये वाला यहाँ पर बन जाता है एग्जैक्ट। अभी इसमें कुछ क्वेश्चन में बचा नहीं है, और इसमें भी बहुत बेकार वैल्यूज़ ली हुई हैं उन्होंने, बट स्टिल ये कंपैरेटिवली थोड़ी सी ईजी हैं। अब उन्होंने बोला है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज़ दिस, तो देखो 18.85 सरकमफ्रेंस लिया हुआ है, सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr, पाई की वैल्यू उन्होंने 3.14 दी हुई है, और रेडियस हमें निकालना है तो हम ये लिख सकते हैं। ओके, तो अब इसके आगे जब हम करेंगे तो हम 2πr को इक्वल रख सकते हैं 18.85 के। अब r हमारा हो जाएगा 18.85 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14, ये हो जाएगा 18.85 और ये हो जाएगा 6.28। अब देखो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स जा रहा है, 28 इंटू 3 इज 84, तो 18.84 तक जा रहा है, तो वी कैन अज्यूम वो 0.00 में जाके कुछ डिफरेंस आएगा, तो रेडियस यहाँ से 3 आ गई हमारी।
अब जब हमारे पास रेडियस आ गई, तो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है ऐसे पीछे, तो अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ये यहाँ तक तो रेडियस ही है, तो ये वैल्यू 3 आ गई। अब ये वाला फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये आप अब इजीली हो सकता है, अगर हम इसकी एक साइड कुछ भी मान लें, ए मान लें, तो ये वाली जो चीज़ है इस वाले ट्रायंगल में, ये वाली चीज़, ये ए बाई टू होगी और ये तो ए है ही। तो अब हम लगा सकते हैं यहाँ से, यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 4। ये ए बाई टू का स्क्वायर किया मैंने, तो यहाँ से अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, दैट इज 9। तो ये हो गया हमारा एक तरीके से 3a² / 4 इज इक्वल्स टू 9। अब देखो इस वैल्यू को हम याद रखते हैं कि हमारा आ गया 3a² / 4 इज इक्वल्स टू 9। अब एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, जो हम हमेशा बोलते हैं आपको इसका एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि वो इसको बहुत पूछते हैं। तो देखो ये ऑलमोस्ट सेम ऐसी ही वैल्यू है, तो मैं इस वाले 3 को √3 × √3 लिख देता हूँ, और ये वाली पूरी चीज़ क्या है हमारा एरिया ही है, ये हमें निकालना है, ये तो हमें एरिया लिख देता हूँ इसकी जगह। तो ये हो जाएगा 9/√3, और ये हम यहाँ पर √3 की वैल्यू उन्होंने दी हुई है 1.732। अब 17 को जब 90 को 17 से डिवाइड करेंगे तो इट वुड बी 5.3 और ऐसे समथिंग आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से हमारा 5.3 आ रहा है, विच इज़ द आंसर। यहाँ पर भी थोड़ी उन्होंने रेंज दी हुई है, तो आप उस रेंज में कहीं भी आ रहे हो तो आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर भी बेकार वैल्यूज़ हैं, आई अग्री, बट स्टिल ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन पहले भी पूछे जाएँ, जैसे कि मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ सी, ये वाला क्वेश्चन भी वो पहले पूछ चुके हैं। यहाँ पर भी हम इस वाले क्वेश्चन को भी ऐसे ही सॉल्व कर सकते थे, ये भी किया था हमने, और सिंपल हेक्सागन का बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन भी उन्होंने दिया हुआ है पहले हमें, राइट। तो जैसे ये क्वेश्चन आप देखो, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी के जैसा है जैसा अभी हमने इस ईयर का क्वेश्चन किया, ये शायद 2017 UCET का क्वेश्चन है। तो अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप करते रहो, उससे हमें एग्जैक्ट आइडिया मिलता है वो कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, और वो सेम टाइप की चीज़ें रिपीट करते हैं, थोड़ी वैल्यू इधर कर दी, थोड़ी उधर कर दी, अदरवाइज सी एग्जैक्ट क्वेश्चंस हैं। आप देखो ये क्वेश्चन इस साल का है, ये क्वेश्चन पहले का है, बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं। ओके, लेट अस मूव अहेड। अब ये क्वेश्चन आता है, अ वुडन ब्लॉक ऑफ डायमेंशन 10 × 20 × 30 इज कट इंटू इक्वल साइज्ड प्लैंक्स, द कट प्लैंक्स आर स्टैक्ड वन अबव द अदर टू अचीव अ टोटल हाइट ऑफ दिस एग्जैक्टली। तो 100 सेंटीमीटर की हाइट अचीव करनी है, इफ द मिनिमम नंबर ऑफ प्लैंक्स आर कट टू अचीव दिस हाइट देन वॉट इज द वॉल्यूम ऑफ ईच प्लैंक इन। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया है कि दे हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्ट डायमेंशन क्या होगी उन प्लैंक्स की जो कटने चाहिए, टू अंडरस्टैंड कि उनकी वॉल्यूम कैसे निकलेगी। देखो क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें तो क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मिनिमम नंबर ऑफ प्लैंक्स से 100 सेंटीमीटर की हाइट कैसे अचीव की जा सकती है जो इसमें काटने हैं हमें पीसेस, राइट। तो अगर हम इस डायमेंशन के हिसाब से देखें तो देखो 4 प्लैंक्स से हम पहुंच सकते हैं कि ये 30 सेंटीमीटर इज द मैक्सिमम हाइट वी कैन अचीव, अगर हम उसको उस तरीके से कट करें कि 30 सेंटीमीटर वाली चीज़ हम एक के ऊपर एक स्टैक करें तो ये 90 सेंटीमीटर तो हमारा यही बना देंगे वो, ये वाले 3 ब्लॉक्स, अगर ये वाली चीज़ 30 है इनकी। इसके बाद चौथा ब्लॉक हमें लगाने के लिए ये चीज़ 10 लेनी पड़ेगी, राइट। अब देखो 4 से कम में तो वो बन नहीं सकता, अगर हम 20 वाली साइड भी ले लें, अगर 2 30 और 2 20 भी ले लें तब भी हमारा 4 प्लैंक्स लगेंगे ही, और 30 से ऊपर हाइट तो एक प्लैंक में अचीवेबल है नहीं, तो हमें मतलब 4 प्लैंक्स लगेंगे, मिनिमम नंबर 4 ही हो सकता है, ये हमें समझ में आ गया। अब जब 4 प्लैंक्स लगने हैं और टोटल वॉल्यूम हम इस चीज़ का निकाल ही सकते हैं 10 × 20 × 30, इसका टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 6000, और 4 इक्वल ब्लॉक्स कटने हैं अब हमारे पास, तो इसको सीधे 4 से डिवाइड कर दो, वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास 1500। हमें क्या ज़रूरत है उनके डिफरेंट डायमेंशंस एग्जैक्टली पता करने की या कुछ भी, अगर हम मिनिमम नंबर ऑफ प्लैंक्स पता कर सकते हैं 100 सेंटीमीटर हाइट अचीव करने के लिए तो वॉल्यूम तो इक्वली होगा ना, किसी भी शेप में वो कटे हों, अगर वो इक्वल कटे हैं कुछ भी डायमेंशन हो तो सबका वॉल्यूम तो सेम ही रहने वाला है, और टोटल वॉल्यूम 6000 उन्होंने पहले ही दिया हुआ है। तो देखो ये वाली थोड़ी सी स्मार्टनेस हमें रखनी चाहिए कि हमें कौन सी कैलकुलेशन या कितनी ज़्यादा मेहनत करने की किसी क्वेश्चन में ज़रूरत है या नहीं, इसको ध्यान में रख के ये क्वेश्चन कर सकते थे। थोड़ा सा ट्रिकी है बट ईजी ही है, मतलब टफ क्वेश्चन नहीं है, नॉट वेरी ईजी बट नॉट टफ ऑल्सो, तो आई होप कि ये सबका हुआ होगा। लेट अस मूव अहेड। 11th क्वेश्चन, इट इज़ अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन UCET में बहुत आते हैं। दे हैव शोन बिलो आर 2 स्टैक्ड पेपर कप्स एंड अ बॉक्स विद देयर डायमेंशन, इफ स्टैकिंग इज अलाउड देन वॉट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कप्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द बॉक्स, और हम देख सकते हैं कि एक कप की हाइट 4 सेंटीमीटर है
और जब हम दूसरा कप रखते हैं तो वो 0.5 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा हाइट बढ़ती है उसकी, राइट। और यहाँ पर भी इन्होंने ऊपर दिया हुआ है कि उसका जो सर्कमफ्रेंस है वो 4 है। देखो अब इसके हिसाब से हम दो तीन तरह से इसको रख सकते हैं। पहले तो हम देख सकते हैं कि अगर हम सीधे कप्स रखने की कोशिश करें जैसे इन्होंने दिए हुए हैं, तो हम ये ऊपर वाली जो साइड है ये 16 है, तो मतलब यहाँ पर हम 4 रोज़ बना सकते हैं कप की, क्योंकि 4 है एक की हाइट, एक का जो डायमीटर कह लो या कुछ भी, तो 4 बन सकते हैं। अब इसके नीचे हम कितनी स्टैकिंग कर सकते हैं, ये टोटल हाइट 6 है, 4 तक तो एक कप ही आ जाएगा, और उसके बाद हर हाफ सेंटीमीटर पर एक कप और आने वाला है अकॉर्डिंग टू दिस। तो यहाँ पर 4 तक तो एक ही आ गया, फिर रिमेनिंग बचे 2, तो 4 मोर आ जाएंगे, तो मतलब यहाँ पर 5 कप्स आ सकते हैं इस हाइट में, 5 ये 5 ये 5 ये 5 ये, तो ये यहाँ पर 20 कप्स हो गए। अब ऐसे देखना है हमें कि इधर की तरफ कितने आ सकते हैं। देखो यहाँ पर हाइट तो 6 ही है, तो अगेन यहाँ पर 5 ही आ पाएंगे ऊपर नीचे, लेकिन रोज़ कितनी बन सकती हैं, ये 12 है, तो मतलब एक रो तो जो यहाँ रखा होगा, देखो ये जो रखा होगा ये इधर भी दिखेगा हमें, तो एक रो तो हमारी इसमें ही ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा 2 रोज़ और बन पाएंगी यहाँ पर हमारी, राइट। तो मतलब ऐसी ये जो रोज़ हैं 20 कप्स की, ये टोटल 3 तो आ सकती हैं ऐसे, और एक फिर यहाँ पर और, तो यहाँ पर इसके हिसाब से हमारे कप्स आए 60, 20 रोज़ की 3 हमारे कॉलम्स बन पाए। अब हम कोशिश करते हैं उनको हॉरिजॉन्टली इंक्लाइन करने के लिए, तो हॉरिजॉन्टली अगर करेंगे तो देखो ये वाला सरफेस जो है हमारा इधर से, ये वाला सरफेस यही तो इसकी तरफ फेस होगा उनका, और ये चीज़ हमारी कितनी है अगेन 16, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ ऐसे तो 4 रोज मेरी बन सकती हैं, राइट। और फिर मैं इनके पीछे ऐसे कप रखता रहूँगा ऐसे यहाँ तक, तो ये पूरी हमारी जो 12 है 4 तक हमारा एक कप आ जाएगा, और रिमेनिंग 8 में हमारे 16 और आ जाएंगे, बिकॉज हाफ सेंटीमीटर होता है, तो ये एक यहाँ पर आया और 16 यहाँ पर, तो यहाँ से हमारे 17 कप्स आ गए एक बार इस वे में, राइट। और ऐसी कितनी रोज बन सकती हैं, क्योंकि ये 4 है, 4 रोज बन पाएंगी ऐसी, करेक्ट, क्योंकि ये 16 है और ये वाली चीज़ हमारी 4 गिवन है, तो 17 की 4 रोज बन पाएंगी, तो ये हमारा आया 68। अब उससे ज़्यादा आ गया है, लेकिन अभी हमारा एक अलाइनमेंट और है जिसमें हम कप को इधर वाली तरफ फेस करके रखें, मतलब ऐसे, तो यहाँ पर कितने आएंगे, देखो ये 12 है तो हमारे 3 आ सकते हैं बस, राइट। और यहाँ तक कितने आ जाएंगे, देखो 4 तक तो एक कप आएगा, फिर रिमेनिंग बचेगा 12, उसमें हमारे हाफ में एक आता है तो मतलब 24 आ गए। तो ऐसी एक रो में इस तरीके से हम कप अलाइन कर रहे हैं अभी यहाँ पर, फिर इसके पीछे एक और, फिर इसके पीछे एक और, ऐसे इस वे में, तो ये 25 आ गए, और ऐसी 3 रोज बनेंगी, तो यहाँ इस वाले तरीके से हमारे पास आया 75। तो इस तरीके से इसको देखना था, वो उन्होंने यहाँ पर जो डिजिट्स ली हुई हैं, जो डायमेंशंस ली हुए हैं, काफ़ी ईजी हैं। देखो उन्होंने साइड इसलिए 16 और 12 की दी हैं कि आपको एक बार में ही आइडिया लग जाए कि कितनी रोज बनेंगी। तो ये 3 तरीके यहाँ पर पॉसिबल थे, तो 75 इज़ द लार्जेस्ट दैट वी कैन अकोमोडेट, तो 75 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये सबका सही हुआ होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है एग्जाम सिनेरियो में, लेकिन अगेन ये क्वेश्चन उस टाइप का है जहाँ पर आपको अगर ये आइडिया है कि कोई एक फिगर दूसरी फिगर्स के साथ अगर हम उसको देखें तो वो कैसे उसकी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, उसका एक एग्जाम्पल है ये। अब जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे आर सेइंग कि कन्फिग्रेशन ऑफ 4 सॉलिड स्फेयर्स ईच ऑफ रेडियस, तो यानी ये इनकी रेडियस दी हुई है इन वाले चारों स्फेयर्स की, 40 सेंटीमीटर दैट आर प्लेस्ड ऑन 4 कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रन विद साइड 120, तो मतलब ये पूरी साइड यहाँ से यहाँ तक ये वाली साइड 120 है, दैट इज़ वॉट दे आर सेइंग, इस सारी साइड 120 हैं। द सेंटर्स ऑफ द स्फेयर कॉन्साइड विद द कॉर्नर्स ऑफ द टेट्राहेड्रन, ओके, तो मतलब ये पूरा यहाँ तक ही आ रहा है, ये सेंटर से कॉर्नर मिल रहा है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट स्फेयर दैट कैन बी अकोमोडेटेड विद इन द टेट्राहेड्रन, अब देखो कोई भी स्फेयर अगर मैं यहाँ रखना है बेसिकली मुझे, राइट, ये इस जगह पर आएगा एक स्फेयर ऐसे, क्योंकि वो बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, तो हमें ये बात तो क्लियर है कि इस जो हमें स्फेयर रिक्वायर्ड है इसका जो सेंटर होगा वो इस पूरे टेट्राहेड्रन का सेंट्रॉइड होगा, जहाँ से ये सारे कॉर्नर्स इक्वल होंगे, ये वाला भी वही तो सबसे बड़ा हो सकता है ऐसे, और फिर ये पीछे वाला ये भी, राइट। तो बेसिकली हमें ये वाला सेंट्रॉइड पता करना है, ये अगर मैं सी लिख दूँ इसको, यही हमें क्लियर करना है। तो देखो अगर हम टेट्राहेड्रन के हिसाब से या यहाँ पर अगर हम मैथ्स की थ्योरम्स
कि कौन सी चीज़ किसको 2:1 में डिवाइड करती है, टेट्राहेड्रन की हाइट क्या होती है, तो बहुत ज़्यादा डीप मैथ्स आ जाएगी, आप उसके फॉर्मूलेज वैसे भी याद नहीं रहते हैं और कहाँ से डिराइव करने बैठोगे, तो ये क्वेश्चन अनसॉल्वेबल है इन दैट टाइम। लेकिन फिर हमें थोड़ी सी बात ये याद रखनी चाहिए कि ये टेट्राहेड्रन किसी और फिगर के हिसाब से अगर मैं कोशिश करूँ, तो अगर हमें ये इसका सेंट्रॉइड निकालना है, तो देखो अगर मैं पहले सोचूँ कि अगर मैं इसके बाहर एक स्फेयर देख लूँ, अभी ये स्फेयर बना रहा हूँ मैं, बन नहीं रहा है मुझसे, अगर इसके बाहर एक स्फेयर रखा हुआ है तो वो उस स्फेयर का सेंटर ही तो होगा, ये वाला पॉइंट, राइट। और अगर मैं इसकी रेडियस निकाल लूँ, ये जो मैंने बड़ा स्फेयर बनाया है, तो इसकी रेडियस हमारी ये होगी पूरी, राइट। तो अगर मैं इसकी रेडियस निकाल सकता हूँ तो मुझे इन वाले सर्कल का तो रेडियस पता ही है, तो अगर वो जो मेरा स्फेयर आएगा इसके बाहर, इस ये बेसिकली टेट्राहेड्रन, तो मैं अगर ये सोचूं कि मैं इस टेट्राहेड्रन की वर्टेक्स पे एक रेडियस रख दूं, जैसे कोई भी टेट्राहेड्रन है ऐसे, अगर मैं इन पे एक स्फेयर रख दूं, तो ये जो सेंटर होगा सेंट्रॉइड स्फेयर का, यही तो इसके तीनों कॉर्नर्स पे ऐसे जाएगा, चारों कॉर्नर्स पे, चारों वर्टिसेस पे। तो ऐसे ही मैं अगर यहां सोचूं कि एक सपोज रखा होता इमेजिनरी, तो उसका सेंट्रॉइड ये सेंटर ही तो होता, तो अगर मैं उसका रेडियस निकाल लूं, और ये रेडियस मुझे पता ही है 40 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ, तो मुझे ये रिमेनिंग पता चल जाएगी, यही तो इतनी ही तो साइड आ सकती है, देखो आप चारों तरफ उस स्फेयर की मैक्सिमम, राइट। तो ये थोड़ा सा टफ है लेकिन इसको इस वे में करेंगे। तो पहले हमें ज़रूरत है कि टेट्राहेड्रन में हम ये करें कैसे, तो देखो, तो जैसे ये फिगर है, अब मैं अगर इसको देखूं कि ये यहां से मैं अगर इसे यहां मिला दूं, तो ये इस वाले ब्लैक स्क्वायर का डायगनल हो गया और इस वाइट स्क्वायर का देखो डायमीटर हो गया। तो अगर मैं ये किसी और फिगर के कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूँ, तो देखो कितना इजी हो गया मेरे लिए कि अब तो स्क्वायर का डायगनल निकालना तो इतना इजी है। सेम वे में अगर मैं ये वाला फिगर देखूँ, अब देखो ये टेट्राहेड्रन है जो क्यूब में रखा हुआ है, तो मैं इजीली देख सकता हूँ कि जो टेट्राहेड्रन की एक साइड है, अगर मैं ये बेस देखूँ इस क्यूब का, तो ये इस स्क्वायर की डायगनल है, इजंट इट। अब मैं स्क्वायर की साइड अगर कुछ ले लेता हूँ, ए ले लेता हूँ, तो यानी कि ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू इस टेट्राहेड्रन की साइड जो हमें 120 दी हुई है, राइट। तो इस वे में, और फिर अगर मैं देखूं कि ये चीज़ क्या होगी मेरी, अगर इसके और जो सर्कल है वो इसके बाहर रखा हुआ है, तो देखो इस वाले सर्कल का डायमीटर इस क्यूब का डायगनली तो हुआ। तो अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करें, अगर मुझे इस पार्ट से लेके इस पार्ट तक के लिए ये चाहिए पूरी चीज़, तो पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा और फिर मुझे ये पता है मैं यहाँ पर राइट एंगल लगा दूंगा, एक दो तरीके से हो जाएगा, राइट। दो, तो पहले मैं इसके हिसाब से देखता हूँ, ये तो ए माना हमने, जैसे मैंने अभी लिखा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ गया हमारा 120 का स्क्वायर, क्योंकि ये हमें गिविन है ये वाली साइड हमारे क्वेश्चन में, कि वो पॉलीगन जो हमारा टेट्राहेड्रन दिया हुआ है उसकी साइड है। अब हमारे पास यहाँ से ये हो गया 2a² इज इक्वल्स टू 120 का स्क्वायर, ए स्क्वायर यहाँ से हो गया 120 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, राइट। अब अगर मैं जो मैंने ट्रायंगल बनाया हुआ है, मैं ये वाली चीज़ मुझे निकालनी है, ए बी मुझे निकालना है सपोज, और ये सी है, तो यहाँ पर मैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब ए सी स्क्वायर 120 हमें गिविन है, 120 का स्क्वायर हो गया, और जो बी सी स्क्वायर है वो ए स्क्वायर है क्योंकि ए साइड थी, और ए स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है, तो मैं इसको यहाँ रख देता हूँ 120 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये मेरा ए बी स्क्वायर हो गया। अब देखो जो सेम टाइप की वैल्यूज़ हैं, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3 × 120 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, राइट। अब यहाँ से अगर हम ए बी निकालेंगे अंडर रूट करके, तो ये आएगा √3/√2/120। अब इसकी वैल्यूज़ हम √3 और √2 की वैल्यूज़ हम आराम से यहाँ पर रख सकते हैं, और हमारा आंसर आ जाएगा 1.732। मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं इससे, तो ये मेरा कैंसिल, ये हो जाएगा नीचे 2। ओके, तो हमारे पास ये आ गया है √3/√2/120। तो यहाँ पर हम इसको √2/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये इसको 60 में काट देगा, तो ये बेसिकली हमारे पास आता है 60√6, या फिर हम उनकी वैल्यू अलग भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हमारी डायमीटर होगी, राइट। तो इस रेडियस के लिए हमें इसको 2 से फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये बचेगा 30√6, और 30√6 को जब हम करेंगे तो ये √6 का आप देख सकते हो 25 का स्क्वायर होता है 625, तो इसके आसपास रहना चाहिए 2.5 के, तो हम अगर करेंगे तो 73.2 समथिंग आता है।
अब देखो इसकी रेडियस आ गई, तो मैं बैक उस फिगर पे ले जाता हूँ, ये वाली चीज़ बेसिकली हमारी आ गई 73.2। अब यहाँ से इस पॉइंट तक तो ये छोटे सर स्फेयर की रेडियस है, जो जो इस वाले स्फेयर की कॉर्नर वाले की ये 40 है, तो 73.5.2 में से मैंने 40 हटा दिया तो मेरे पास बचा 33.2, जो कि इसका आंसर होगा। लेकिन अगेन ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है एग्जाम सिनारियो में, लेकिन अगर हम इसको टेट्राहेड्रन की हाइट और उस सब में लगा के करने लगें तो ये मैथ्स के काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस में आते हैं, उस वे में हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा इस वे में सोचते कि ये जैसे मैंने इस फिगर के एग्जांपल से बताया आपको, और साथ में हम क्यूब वाली बात से वो करें इसको, तो देखो हमने यहाँ पर कोई थ्योरम या मैथ्स का कुछ नहीं लगाया है, बेसिकली हमने बस पाइथागोरस थ्योरम से ही क्वेश्चन सॉल्व किया है। पर हाँ, इसकी कैलकुलेशंस थोड़ी सी टफ हैं, जो कि पता नहीं क्यों इस बार इन्होंने ऐसे डिजिट्स यूज़ की हैं जो ना तो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं ना ऐसी वैल्यूज़ हैं, जो भी रीज़न उसका रहा हो, बट आई डोंट थिंक वो करेक्ट तरीका है। आप बस डिज़ाइनर जब स्टूडेंट्स को लेना चाहते हो, आप डिज़ाइन के फील्ड में लेना चाहते हो, तो इतनी डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन कराने का मेरे हिसाब से कोई सेंस नहीं बनता। पर हो सकता है उन्होंने कुछ सोचा होगा, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, टाइम भी लिया होगा, बट स्टिल हमें इससे ये सीखना चाहिए कि हमें कोई भी फिगर को सॉल्व करने के लिए उसके रिलेटेड फिगर्स पता होने चाहिए। जैसे इस वाले क्वेश्चंस में ये सर्किल की डायमीटर के लिए हमने स्क्वायर का यूज़ किया, पर यहाँ पर इस टेट्राहेड्रन को क्यूब के फॉर्म में हमने यूज़ किया। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, और जिन्होंने भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया है वेल एंड गुड, पर अगर ये नहीं भी आप कर पाए हैं तो इसमें कोई डिसहार्टन होने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा ईजी है उस वे में। इन्होंने बोला है सेक्शन पी शोज थ्री व्यूज ऑफ अ रेगुलर डाइस, 10 ऑफ सच रेगुलर डाइस आर स्टैक्ड ऑन एन ओपेक टेबल एज शोन, देन व्हाट इज द मैक्सिमम सम दैट कैन बी अचीव्ड ड्यूरिंग एडिंग द नंबर्स ऑन द विजिबल सर्फेसिस फ्रॉम ऑल एंगल्स। अब यहाँ पर इन्होंने देखो टिपिकल एक डाइस दी हुई है जो अपोजिट फेसिस का सम 7 होता है, वो सारे अपोजिट फेसिस होते हैं उसमें। तो अगर हम देखें यहाँ पर इस वाले व्यू से पहले, तो ये जो टॉप है देखो इसका एक सरफेस नीचे वाला सरफेस केवल विजिबल नहीं होगा, 5 सरफेस विजिबल होंगे, तो वो नीचे वाला सरफेस हम उस तरीके से उसको एडजस्ट करें कि 1 आ जाए, क्योंकि मैक्सिमम ढूंढना है हमें कि मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो अगर हम सारे 7 × 7 × 7 × 3 कर देता हूँ मैं, अपोजिट साइड का 7 होता है सम, 3 अपोजिट साइड्स हो जाएंगी, तो टोटल सम जो हो सकता है मैक्सिमम वो 21 हो सकता है एक डाइस का। अब एक सरफेस यहाँ पर इनविजिबल है तो मैं उसको 1 मान लेता हूँ क्योंकि मुझे मैक्सिमम लेना है, तो इस वाली डाइस से मैक्सिमम जो आ सकता है वो 20 आ सकता है। सिमिलरली अगर मैं इस डाइस को देखूँ, इस वाली डाइस को, तो यहाँ पर एक तो बेस और एक जो इसका पीछे वाला सरफेस है वो विजिबल नहीं होगा, तो यानी 4 सरफेस विजिबल नहीं होंगे, तो नीचे वाला फेस 1 हो सकता है और पीछे वाला जो फेस है वो 2 हो सकता है, तो मैक्सिमम 18 आ सकता है इससे, 1 और 2 हट जाएंगे तो 3 हट जाएगा 21 में से। सिमिलरली इसमें से भी 18 आ सकता है, सिमिलरली देखो इसमें से भी 18 आ सकता है और इस वाले में से भी 18 आ सकता है, राइट। अब हम इस वाले को देखते हैं, अब देखो इसमें 3 सरफेस विजिबल नहीं है, एक तो बॉटम, एक बैक और एक ये वाला सरफेस भी विजिबल नहीं होगा, राइट। तो एक हम मैक्सिमम 3 सरफेस से कितना ले सकते हैं, 6, 5 और 4, यानी कि 15 ले सकते हैं, तो ये 15 हो गया इसका। अब हम देखते हैं इस वाली फिगर को कि इसमें हम कौन कौन से नहीं देख पा रहे हैं। तो देखो इस वाला ये जो टॉप है इसके नीचे जो दो रखे हैं ये दोनों, ये यहाँ से विजिबल नहीं हो रहे हैं इस वाले व्यू में। सिमिलरली ये वाला और ये वाला जो है इनके पीछे भी एक एक है ये, तो ये 4 डाइसेस हमने अभी तक उसमें विजिबल नहीं हो रहे थे उस वाले व्यू में हमारे, तो यहाँ से देखते हैं। तो इन दोनों में ये दो सरफेस विजिबल हैं तो ये 11 कर सकते हैं, 6 और 5 हो सकता है, ऐसे ही इन दोनों सरफेस में फिर से 11 हो सकता है। अब देखो इस वाली डाइस में बस ये एक सरफेस विजिबल है, सिमिलरली ये वाली डाइस का भी एक ही सरफेस विजिबल है, तो इन दोनों में मैक्सिमम 6 और 6 आ सकता है। तो ये हमारी टोटल वैल्यूज़ पॉसिबल हैं मैक्सिमम इन डाइसिस में, जो कि हम कर सकते हैं कैलकुलेट। ये 20 हो गया, ये 4 × 18 यानी कि 72, देन ये 15, ये हमारा 11 और 11 22 और ये 12, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये 92 107 129 और 141, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाता है 141। तो आई होप आपने ये किया होगा, ये बहुत टफ नहीं है क्वेश्चन, इजीली आप देख सकते हो कि कितने सरफेस विजिबल हैं और उसमें मैक्सिमम हम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं उसकी डिजिट से, बस उतना ही देखना था। आई होप ये सबका हो गया होगा, लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक ईजी क्वेश्चन ही है और ऐसे काफ़ी क्वेश्चन यूसीड में पहले भी देखने को मिलते रहते हैं।
इसमें उन्होंने पूछा है व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल पीसेस दैट आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ पाथ फ्रॉम टाइल ए टू टाइल बी सच दैट ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट। अब देखते हैं कंडीशंस क्या है। ऑल टाइल्स आर टू बी यूज्ड एटलीस्ट वंस। तो ये जो छः इन्होंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये छः के छः आपको यूज़ करना कंपलसरी है। देन टाइल्स कैन नॉट ओवरलैप, तो आप ओवरलैप नहीं कर सकते हो, एक सेगमेंट में एक ही टाइल आना चाहिए। द पाथ ऑन अ टाइल मस्ट बी कनेक्टेड टू अनदर पाथ ऑफ अ टाइल। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है तो ये या तो यहाँ से शुरू हो या यहाँ से शुरू हो या यहाँ से। तो जैसे अगर मैं एक इसकी बात करूँ तो इसमें आप ये वाला टाइल नहीं लगा सकते हो इसके साथ ये, तो ये देखो कहीं भी कनेक्ट नहीं हो रहे, वो ऐसे जा रहे हैं और वो ऐसे जा रहे हैं, ये कनेक्ट होने चाहिए ये वाले पॉइंट्स। देन सेम टाइप ऑफ टाइल कैन नॉट बी यूज वन आफ्टर द अदर इन अ सिक्वेंस। तो वन आफ्टर द अदर नहीं होना चाहिए, जैसे मैं इसको ही बार बार यूज़ नहीं कर सकता हूँ पाथ बनाने के लिए, तो वो एक बार उसके बाद साथ में नहीं होना चाहिए, भले ही वो बाद में दोबारा रिपीट हो जाए। देन रोटेशन ऑफ द टाइल इज नॉट अलाउड, जैसे व्यू उसमें दिया हुआ है वैसे ही करना है। देन एक्सक्लूड टाइल ए एंड टाइल बी, तो इनको हमें काउंट नहीं करना है, हमारा आंसर जो होना चाहिए वो इसके अलावा और कितनी टाइल्स यूज़ हो रही हैं वो। तो देखो हम ऐसे केस में आसानी से देख सकते हैं कि अगर हम टॉप से चलें तो देखो एक पाथ तो यहाँ से बन सकता है और एक पाथ यहाँ से बन सकता है, तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हम देखो ये तो फिर से यूज़ कर नहीं सकते बैक टू बैक, है ना, तो बीच में से एक तो ये आ सकती है, पर ये देखो अगर हम लगाएंगे तो ये यहाँ इधर चली जाएगी तो ये यूज़ नहीं हो सकता। सिमिलरली हम ये वाली टाइल यूज़ कर सकते हैं, तो ये इस वे में आती यहाँ पर ऐसे आ जाती है। ऐसे ही अगर हमें इधर वाली तरफ से देखना है यहाँ से तो ये वाली टाइल यूज़ कर सकते हैं हम एक। तो इस तरीके से आप आइडिया लगा सकते हो कि कैसे शुरू कर सकते हैं। सिमिलरली ख़त्म कैसे करना है, ख़त्म करने में भी या तो वो यहाँ पर ख़त्म हो रहा हो या फिर वो यहाँ पर ख़त्म हो रहा हो। तो इस वे में मल्टीपल वेज हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के। मैंने इसको लगा के देखा और आ गया, तो मैं आपको एक दिखा देता हूँ। मैंने ये ऐसे किया था, तो अगर मैं शुरू से देखूँ अपना पाथ तो मेरा पाथ ये ऐसे हो रहा है, ये मैंने बनाया ऐसे। तो ये टोटल मैंने टाइल्स गिनी तो मेरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 13 टाइल्स से मैं वहाँ पहुँच गया। तो ऐसे और भी तरीके होंगे ऑब्वियसली, तो बट ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम ले सकता है, बट इट कैन गिव यू 4 मार्क्स वेरी इजिली अगर आप थोड़ा सा भी अरेंज करके उसको देखोगे तो आराम से हो जाएगा। आई होप ओवरऑल आपका NET सेक्शन अच्छा हुआ होगा। 2-3 क्वेश्चन काफ़ी टफ थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी मुश्किल है उनको एग्जैक्ट करेक्ट कर देना, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई कैन ईजिली से कि आप 9 या 10 क्वेश्चन इसमें कर सकते हो स्कोर, उतना टफ पेपर नहीं था। इनफैक्ट शुरू के 7 क्वेश्चन में से तो आप 6 आराम से सही कर सकते हो, तो आप एनीथिंग अराउंड 32 to 40 मार्क्स यू कैन गेट अगर हम देखें एक क्वेश्चन एटलीस्ट गलत मान लें कि 2-3 क्वेश्चन आपके गलत सही नहीं भी हो रहे हैं, तो इतना आप यहाँ पर आराम से स्कोर कर सकते थे। दैट टाइप का पेपर था ये, और आई होप कि आपका हुआ होगा। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन जो इन्होंने दिया है, आई होप आप सेलेक्ट हों। बट आपको अगर कहीं भी ऐसा लगता है कि क्या गलती आपने की होगी एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू गिव सम अदर एग्जाम्स तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। बट दैट्स इट, तो हमने ऐसे NET सेक्शन कंप्लीट कर लिया है, बाकी और क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।